हेलो एवरीवन, आज हम वर्कशीट नंबर 19 कक्षा 10वीं दिनांक 18 अगस्त 2021 के लिए कर रहे हैं। आज हम अमल शारक व लवण के लेसन को आगे बढ़ाते हुए आज हम बातचीत कर रहे हैं कि अमल और जो क्षार है धातु अधातुओं के साथ किस तरह अभिक्रिया करेंगे और धातु ऑक्साइड और अधातु ऑक्साइड के साथ किस तरह अभिक्रिया करेंगे। पहले लेते हैं हम कि जो अमल हैं वो धातु के साथ किस तरह अभिक्रिया करते हैं। अगर हम कुछ क्रियाशील धातुएं जैसे जिंक और आयरन की बात करें तो ये तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। धातु प्लस अमल, लवण प्लस हाइड्रोजन। अगर हम जिंक ले धातु और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक अमल है तो आपके पास जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बन जाती है। तो इसी तरह अगर हम कोई और भी धातु लेंगे तो इसी तरह हाइड्रोजन गैस बनती है। अब इसमें ये एक प्रैक्टिकल दिखाया गया है कि कैसे आप इस क्रियाकलाप को कर सकते हो। इसमें क्या होता है, ये एक आपके पास परख नली है, इसके अंदर आपने जिंक के छोटे छोटे टुकड़े डाल दिए हैं और फिर दीवार के साथ एक ग्लास रॉड के लगाकर धीरे धीरे सल्फ्यूरिक एसिड इसके अंदर डाला जाता है और ये सेटअप पूरा होता है। कॉर्क के साथ ये ट्यूब लगी होती है और इसका दूसरा एंड एक टब के अंदर पानी होता है, उसके अंदर जाता है। तो जैसे ही आप यहाँ पे जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड की अभिक्रिया शुरू होती है तो हाइड्रोजन गैस बनने शुरू होती है। ये हाइड्रोजन गैस इस पाइप के ज़रिए यहाँ से होते हुए पानी में से हाइड्रोजन गैस के बबल्स निकलने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो अब इस गैस को टेस्ट करने का तरीका क्या है कि आप जलती हुई माचिस की तिल्ली को इन एयर बबल्स के पास लेके आओ तो ये बबल्स पॉप करके इनमें आग लगेगी और आग लग के ये ख़त्म हो जाएंगे। तो जैसे जैसे बबल्स आएंगे आप बार बार उसके पास माचिस की तिल्ली लाओगे तो ये खुद गैस जलने लगती है। तो यहाँ पे आपने जो नोट करना है कि जो हाइड्रोजन गैस है ये खुद जलनशील है, खुद जलती है, इसीलिए पॉप की साउंड आती है और इसको इस हाइड्रोजन गैस के कई और भी इस्तेमाल हैं, जैसे कई बैलून्स में और कहीं इंडस्ट्रीज़ में इसको यूज़ किया जाता है। तो आपके लिए इतना ही काफ़ी है। अब दूसरा अब हम देखते हैं कि अगर नाइट्रिक एसिड इस अमल की जगह लिया जाए तो नाइट्रिक एसिड सिर्फ मैग्नीशियम और मैग्नीज के अतिरिक्त किसी भी धातु के साथ हाइड्रोजन गैस नहीं बनाता है। तो आपने एमसीक्यू जब करने हैं या वैसे अगर आपको कोई क्वेश्चन दिया जाता है, नाइट्रिक एसिड के साथ सिर्फ मैग्नीशियम और मैग्नीज का ही रिएक्शन होकर हाइड्रोजन गैस बनेगी, बाकियों के साथ ये रिएक्शन नहीं करेगा, राइट। अब यहाँ पे देखते हैं कि इन्होंने उसी तरह अमल और क्षारक की धातुओं के साथ अभिक्रिया दिखाई गई है। जब कोई धातु तनु अमल के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनती है। जितनी अधिक क्रियाशील धातुएं जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, कैल्शियम होंगी उतनी ही तीव्र रासायनिक अभिक्रिया होगी। कम क्रियाशील धातुएं जैसे कॉपर, सिल्वर, मरकरी तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं करेंगी। अगर हम जिंक क्लोराइड वाले रिएक्शन को इस तरह रिप्रेजेंट करें तो अगर ये जो रेड कलर का एक गोल चक्कर दिखाया हमने, ये जिंक है, ये आपका ये हाइड्रोजन है और ये क्लोरीन है। तो ये किस तरह हो रहा है, ये दोनों ग्रीन इसके साथ जुड़ गए और हाइड्रोजन गैस अलग से रिलीज़ हो गई है।
अब सेकंड है कि ये जो जिंक धातु है, अगर इसमें कोई क्षार लिया जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो कैसे होता है? अगर कोई क्षार क्रियाशील धातु जिंक के साथ अभिक्रिया करता है तो ये भी एक लवण बनाता है, सोडियम जिंकेट, और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। सोडियम जिंकेट का फॉर्मूला क्या है? Na2ZnO2। तो ये भी लवण और हाइड्रोजन गैस बनाता है। अब इसी तरह अगर हम यहाँ पे एल्युमिनियम धातु होती तो ये यहाँ पे सोडियम एल्युमिनेट सॉल्ट या लवण बनाता और हाइड्रोजन गैस को रिलीज करता है। तो ये था कि अमल धातु के साथ किस तरह अभिक्रिया करते हैं और क्षार धातु के साथ किस तरह अभिक्रिया करते हैं। दोनों ही लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। उसके बाद आता है कि जो अमल और क्षार हैं, ये धात्विक ऑक्साइड और अधात्विक ऑक्साइड के साथ किस तरह रिएक्शन करेंगे। तो पहला हम लेते हैं, आपका अमल है HCl, ठीक है, और धात्विक ऑक्साइड है कैल्शियम ऑक्साइड, तो ये बना रहा है कैल्शियम क्लोराइड और वाटर। मींस जो धात्विक ऑक्साइड अमल के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बना रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो धात्विक ऑक्साइड है वो क्षार की तरह काम कर रहा है, इसलिए इसकी नेचर क्या है? क्षारीय है। ये भी एक तरह की उदासीन अभिक्रिया ही है। और इधर अगर हम देखें कि अगर कोई हमारे पास क्षार है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये अधात्विक ऑक्साइड कौन सा लिया हमने? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, तो ये क्या बना रहा है? कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर, ये भी उदासीन अभिक्रिया की तरह है। तो अगर ये हमारे पास क्षार है तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए अम्ल की तरह काम कर रही है, इसलिए इसकी नेचर अम्लीय है। समझ, आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम लेते हैं आगे प्रश्न उत्तर। पहला है कि आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ रासायनिक अभिक्रिया को लिखें। तो इसके लिए हम अगले पेज पे चलते हैं। तो पहले प्रश्न में हमने लिखा आयरन, जो भी धातु दिए हैं आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इनकी डल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ हम अभिक्रिया करा के इनके लवण और हाइड्रोजन गैस बनती है। आयरन क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड बनेंगे और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। इसी तरह आप यहाँ पे HCl की जगह H2SO4 भी लिख के इसी तरह तीनों रिएक्शंस बना सकते हो। सेकंड क्वेश्चन है कि क्या कॉपर नाइट्रिक एसिड के साथ अभिक्रिया करेगा? नहीं, क्योंकि वो सिर्फ दो ही धातुओं के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देता है, वो है मैग्नीशियम और मैग्नीस, लेकिन हमें प्रश्न में कॉपर दिया गया है तो इसके साथ अभिक्रिया नहीं होगी। तीसरा प्रश्न है कि अगर कोई हमारे पास धातु एल्युमिनियम लेते हैं और वो किसी क्षार सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या बनेगा? तो ये आपका एल्युमिनियम हो गया, ये क्षार है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और क्योंकि ये पानी में इसका सॉल्यूशन होगा तो यहाँ पे सोडियम एल्युमिनेट और हाइड्रोजन गैस बन रही है। इसका फार्मूला है NaAlO2 और एच हाइड्रोजन गैस। बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ पे 2-2 लगाना पड़ रहा है। अब प्रश्न नंबर 4 है कि धात्विक ऑक्साइड जो हैं वो क्षारीय क्यों हैं? धात्विक ऑक्साइड अमल के साथ अभिक्रिया करने पर लवण और पानी बनाते हैं, यह उदासीनीकरण की अभिक्रिया की तरह ही है, और यहाँ पर जो धात्विक ऑक्साइड है वो क्षार के काम कर रहा है, इसलिए ये क्षारीय नेचर में होगा। प्रश्न नंबर 5 है कि अगर आप अचार या चटनी जो खट्टी होती हैं अगर उनको हम किसी धातु के बर्तन में रखते हैं तो वो ख़राब क्यों हो जाते हैं? तो इसमें इसका कारण ये है कि जो अचार या चटनी है वो खट्टे होते हैं, उनमें प्राकृतिक अम्ल होते हैं,
और जो धातु के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं और लवण बनाते हैं, इससे क्या होगा कि खाने जो अचार या चटनी है वो खाने लायक नहीं रहेंगे और जो बर्तन है मेटल का उसका भी संक्षारण हो जाएगा और उसके अंदर अगर आपने काफ़ी ज़्यादा टाइम रख दिया है तो उसके अंदर छेद भी हो सकते हैं। इसी के साथ आज की हमारी वर्कशीट ख़त्म होती है। आशा करती हूँ आपको समझ आई होगी और आप इसको समझ के अपनी कॉपी के अंदर भी करेंगे। शुक्रिया।